हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक प्रिंस। फ्रेंड्स, डिजिटल सिग्नेचर, काफी लोगों ने नाम इसका सुना भी होगा और काफी लोगों ने नाम सुना ही नहीं होगा कि आज भाई प्रिंस भाई डिजिटल सिग्नेचर की क्या बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक डिजिटल सिग्नेचर आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल इंडिया को देखते हुए डिजिटल सिग्नेचर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सेक्टर में तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और अब तो लगभग हर जगह डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता हो गई है। अभी कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन होगा कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे फ्रेंड्स कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये किस लिए काम आता है। तो वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए इस तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर का आईडी पासवर्ड चाहिए, अगर आप अपने मार्केटिंग में जाके डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे, जो देख रहे होंगे जिनको पता है तो वो आईडी पासवर्ड भी ले सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहां से आप कॉल करके टीम से बात करके आप डिजिटल सिग्नेचर के आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। पर आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब आप तहसील में आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आप जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाते होंगे, तो वहां पे आपको एक अधिकारी का नाम लिखा हुआ आता है। कोई भी अधिकारी होगा उसका नाम लिखा हुआ आता है और उसके नीचे छोटा छोटा आता है डिजिटल सिग्नेचर बाई। तो वो जो नाम लिखा होता है फ्रेंड्स, वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही होता है और वो सारे गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो डिजिटल सिग्नेचर से ही बनते हैं। वो SDM रैंक के सिग्नेचर भी हो सकते हैं, तहसीलदार रैंक के भी सिग्नेचर हो सकते हैं, वो DM रैंक के भी सिग्नेचर हो सकते हैं। तो ये तो हो गया तहसील वर्ग में। अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे भी जो है रजिस्ट्री ऑफिसर के वहाँ भी डिजिटल सिग्नेचर होता है, तभी वो जो है रजिस्ट्री कर पाते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का पैसा छोड़ने के लिए भी प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर लगता है। आप ब्लॉक वगैरह में चला तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ पे भी उनको जो है छोड़ने के लिए, डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के लिए वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर लगता है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क होता है, जितना भी पेमेंट का लेने देने का वर्क होता है, वहाँ पे सब में डिजिटल सिग्नेचर लगता है। और ये काफ़ी लोग बनवाते, जो इस वर्क को करते हैं उनको पता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। और आजकल तो भैया CA जो होते हैं फ्रेंड्स, वो भी RTR फाइल करने के लिए, यह टेंडर होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सबके डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं तो हमसे भी बनवा सकते हैं। ऑल इंडिया आप कहीं भी रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। और मार्केट से बहुत ही सस्ता हम यहाँ पे जो है डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आपको अगर आईडी पासवर्ड लेके भी काम करना है तो आप आईडी पासवर्ड भी लेके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की एक अच्छी मार्केटिंग है, अभी न्यू है, मतलब काफ़ी लोग इसके बारे में जानते नहीं है, पर काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे आप लोग कमा सकते हो। अगर आप आईडी पासवर्ड लेते हो तब भी आप पैसा कमा सकते हो, या हमारे थ्रू आप बनवाओगे तब भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में CA जो होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, ये इनसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं, क्योंकि इनके पास तो काफ़ी RTR फाइल करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्योंकि अपनी कंपनी का पूरा ब्यौरा देना होता है। तो वहाँ पे बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर आपको घर बैठे आप तक पहुँच जाएगा। और अगर आपको आईडी पासवर्ड लेके वर्क करना है तब भी हमें कॉल करके आप आईडी पासवर्ड ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है बनना आपको बन जाएंगे। और आप अपनी मार्केटिंग में, अपने एरिया में आप डिजिटल सिग्नेचर बना के बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। तो बस यही था कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए इस तरह फिर मिलता हुआ ऐसा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।